वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका भरत में मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापड़ खुरमे की रेसिपी। एक्चुअली इसे हम घर में पापड़ का खुरा बोलते हैं। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, 2-3 मिनट में बन जाती है और सबको पसंद आती है। आप इसे खिचड़ी के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो। अगर आपको रोटी या खिचड़ी के साथ खाना नहीं है पसंद तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। ये बहुत जल्दी बन जाती है और सबको पसंद आती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। तो चलिए आइए देखते हैं पापड़ खुरमे की रेसिपी। खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 5 उड़द दाल के पापड़, 1 बड़ा चम्मच खाने का तेल और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। सबसे पहले हमें गैस पे ये उड़द दाल के पापड़ कुछ इस तरह सेक लेने हैं सारे के सारे। सारे पापड़ सेकने के बाद हमें पापड़ों का खुरमा बना लेना है, बारीक बना लेना है। इस तरह बारीक खीमा बनाने के बाद उसमें हमें ये लाल मिर्च डालनी है, पिंच ऑफ साल्ट डालना है, ज़्यादा नहीं। और ये जो है तेल, उसे हमें थोड़ा सा गर्म करके ही इसमें डालना है, क्योंकि नॉर्मल तेल है वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए हमें तेल गर्म करके ही डालना है। ये गरम तेल अब हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा पापड़ का खुरमा 5 मिनट में बनकर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी बन जाता है, इसे टाइम नहीं लगता। तो आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बोलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।